नमस्ते इंडिया। आपने गुलाब जल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। देखिए, गुलाब जल लोग कई अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई कोई अपनी सुंदरता निखारने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और तो और कोई अपनी डेली रूटीन में रोज़ाना तौर पर अपनी स्किन पर एक मॉइस्चराइज़र की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे इसकी मदद से आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रख सकते हो। मगर इसके कई और भी फ़ायदे हैं, आप और भी अलग अलग तरीक़ों से गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आप अपनी स्किन पर गुलाब जल को क्लिंजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आप कहीं बाहर से घर पर आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप अपने हाथ पैर और मुंह धोओगे, तो मुंह पर आप फेस वॉश लगाते हो, इसके बदले आप गुलाब जल से अपना चेहरा साफ कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल में, एक रुई में आपको थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना है और अपने चेहरे पर लगा लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन की वो गहराई से सफाई करता है, यानी कि जो भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो भी होता है, गुलाब जल आपकी स्किन पर से निकाल देता है। तो आप इसका इस्तेमाल एक क्लिंजर की तरह कर सकते हो। देखिए, इसका दूसरा यूज़ आप मेकअप रिमूवल की तरह भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि वो स्किन को गहराई से सफाई देने का काम करता है, तो वो आपके मेकअप को भी आसानी से निकाल सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप करते हो, तभी भी आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी तरह करना है, आपको एक कॉटन बॉल में एक गुलाब जल ले लेना है और फिर आप अपना मेकअप इससे हटा सकते हो। ये आपका मेकअप तो हटा ही देगा, मगर साथ में जो भी धूल मिट्टी गंदगी होगी वो सब भी साफ़ हो जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, कोई भी क्रीम आपको सूट नहीं हो रही है, कुछ भी आप लगा नहीं पा रहे हो, तभी भी आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है और इससे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, और ये आपकी स्किन में लंबे समय तक नमी बनाए रखने का काम कर सकती है। तो आप अपने स्किन पर इसको एज अ मॉइस्चराइज़र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी स्किन में टाइट करने के लिए, यानी कि कसावट लाने के लिए बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बजाय आप गुलाब जल से भी आप अपनी स्किन में कसावट ला सकते हो, यानी कि अपनी स्किन को टाइट कर सकते हो। ये आपकी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट रखता है, और आप इसका इस्तेमाल अपनी स्किन में टोन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि अपनी स्किन की जो भी रंगतता है उसको निखारने में भी आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो।